ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के पास इतनी स्पेस हो कि वह बहुत बड़ा गार्डन बना सके। बड़ी बड़ी मेट्रो सिटीज़ में अब लोग फ्लैट्स में रहते हैं जहां बहुत कम स्पेस वाली एक छोटी सी बालकनी होती है जो धूप हवा का मेन सोर्स होती है। गार्डनिंग में सबसे इम्पोर्टेंट रोल स्पेस का होता है, क्योंकि अक्सर खाली जगह को कवर करने के लिए बेस्ट आइडिया है कि आप हरे भरे पेड़ पौधे लगा दीजिए, क्योंकि खूबसूरत रंगीन पौधे खाली स्पेस को एक शानदार एलिगेंट लुक भी देते हैं। पर अगर किसी के पास जगह की कमी है, इवन चलने फिरने की भी जगह नहीं है, तो आप ऐसे में ज़ीरो बजट के अंदर इजी लो मेंटेनेंस फास्ट ग्रोइंग प्लांट छोटे कंटेनर में, वेस्ट मटेरियल में, इवन की वर्टिकली वॉल में, और इसके अलावा हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माई चैनल। पेनीवॉट ब्यूटीफुल लीव्स वाला ये एक पेरिनियल प्लांट है। ये मार्शी लैंड्स में होता है। इसका नाम पेनीवॉट, मार्शी पेनीवॉट, इवन इसे डॉलर प्लांट भी कहते हैं। दिस इज़ द बेस्ट प्लांट फॉर स्मॉल पॉट्स। ये पौधे ज़्यादा स्पेस नहीं लेते बट फास्ट ग्रोथ करते हैं। आप इसे बिना छेद वाले प्लांटर में, इवन हैंगिंग बास्केट में, जहाँ ब्राइट लाइट आती है वहाँ पर लगा सकते हैं। खूब मल्टीप्लाई होते हैं, डिवाइड करके आप इनको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। इसे वाटर बहुत ज़्यादा पसंद होता है। ये पौधे सोगी मिट्टी, लाइक दलदल जैसी मिट्टी में बढ़िया ग्रोथ करते हैं। इवन फिश टैंक में भी आप इसे लगा सकते हैं। और इसके अलावा फ्रेंड्स, इन पौधों का जो आइडियल पीरियड रहता है ग्रोइंग का, वो रेनी सीजन होता है, यानी कि इनको ह्यूमिडिटी बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है। और नर्सरी में ये पौधे बहुत ही मिनिमम प्राइस में आपको 100-125 रुपए तक मिल सकते हैं। तो ये आइडियल प्लांट है जिसे आप छोटे कंटेनर में ग्रो कर सकते हैं, जो ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेते। फ्रेंड्स, एट्रैक्टिव इंडोर फॉलिएज प्लांट की बात ही कुछ और होती है। पेप्रोमिया ऐसा ही एक हाउस प्लांट है जो इंडोर छोटे कंटेनर में ग्रो करने के लिए बेस्ट प्लांट है। स्मॉल शेप, अट्रैक्टिव लीव्स, कम गहराई वाली जड़ें, स्लो ग्रोथ करने की नेचर, छायादार जगह में उगना और जहरीला ना होना इस पौधे की खासियत है। इसकी 1500 से भी ज़्यादा वेराइटीज़ होती हैं। स्क्रीन पर जो प्लांट आप देख रहे हैं, यह है पेप्रोमिया की दो वेराइटीज़ हैं, एक ग्रीन एंड वेरीगेटेड। इसे पेप्रोमिया ऑप्टसी फोलिया भी कहा जाता है। पेप्रोमिया के पत्ते मोटे, चमकदार और फ्लैशी होते हैं। इन्हें सकुलेंट्स तो नहीं कहा जा सकता, बट हाँ, इन्हें सेमी सकुलेंट्स कहना ज़्यादा ठीक रहेगा। काफ़ी हद तक ये पौधे बिना पानी के भी कुछ दिन तक सर्वाइव कर सकते हैं। छोटे कंटेनर में और कम जगह में आप ये पौधे भी लगा सकते हैं। छोटे पॉट में, कबाड़ में, DIY में, इवन हैंगिंग बास्केट में लगाने के लिए अल्टरनेंथ्रा प्लांट भी बहुत ही खूबसूरत और एक आइडियल प्लांट होता है। इस पौधे की खासियत है इसकी मल्टी कलर की लीव्स, एक्यूरेट शेप लाइक बॉल, हार्डी प्लांट, कटिंग से इजली प्रोपोगेट भी हो जाता है। इसे आप ब्राइट लाइट या 2 घंटे की धूप वाली जगह में ग्रो कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू सनलाइट ये पौधा अपने पत्तों के कलर को भी चेंज करता है। ये एक परफेक्ट प्लांट है हेज के लिए, जिसे आप अपने गार्डन में खूबसूरत रंग देने के लिए कॉम्बिनेशन में भी लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, इंडोर प्लांट्स को लगाने के लिए जो पॉटिंग मिक्स की रिक्वायरमेंट रहती है, वो वेल ड्रेन होनी चाहिए, जिसमें एक हिस्सा मिट्टी और एक हिस्सा आप रेत ले सकते हैं। कोई भी कंपोस्ट आप इसमें ऐड कर सकते हैं। सबसे बेस्ट जो इंडोर प्लांट्स के लिए जो कंपोस्ट रहती है, वो वर्मी कंपोस्ट होती है, जो स्लो रिलीजिंग होती है, वो धीरे धीरे हमारे पौधों को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये एक खाली वॉल थी जिसमें एक मैंने बॉटल को कट करके उसमें मैंने जूट लपेट दी और उसमें लगा दिया एस्पेरेगस फर्न। एस्पेरेगस फर्न भी आप छोटे पॉट में लगा सकते हैं। मेरे घर में भी स्पेस बहुत कम रहती है, लेकिन बहुत सारा आइडिया लगाना पड़ता है कि कम स्पेस में हम ज़्यादा से ज़्यादा पौधे किस तरह से लगाएं। तो ये भी बेस्ट आइडिया है। आप वेस्ट मटीरियल में भी बहुत सारे पौधों को लगाकर इसी तरह वॉल में हैंग भी कर सकते हैं। ये पौधे काफ़ी ग्रीनरी भी ऐड करते हैं। फ्रेंड्स, इसकी बहुत सारी वेराइटीज होती है और ये एक बहुत ही सुंदर एवरग्रीन प्लांट है। समर इसका ग्रोइंग पीरियड होता है और इसकी बहुत सारी वेराइटीज होती हैं। फ्रेंड्स, ये वाली जो वेराइटी आप देख रहे हैं, ये फॉक्सटेल फर्न वेराइटी होती है, और इसके अलावा ये बोस्टन फर्न होते हैं। ये भी काफ़ी हार्डी प्लांट होते हैं, जो फर्न की कैटेगरी में आते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप ज़ीरो बजट गार्डनिंग करना चाहते हैं, वो भी कम जगह में, तो प्लास्टिक की बोतल का आप मैक्रेम होल्डर भी बना सकते हैं, जिसमें कोई भी शेलो रूट्स वाले फास्ट ग्रोइंग प्लांट्स आप लगा सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये मेरे घर में वेस्ट बॉटल्स रखी हुई थी, जिसपे मैंने वाइट पेंट करके उसका मैक्रेम मैंने होल्डर बना दिया है। और इनमें अब मैं लगाने वाली हूँ बेबी सनरोज और वंडरिंग ज्यू की कटिंग। ये पौधे भी बहुत आइडियल प्लांट होते हैं छोटे पॉट में ग्रो करने के लिए। इवन कि आप इसकी हैंगिंग बास्केट भी बना सकते हैं,
हैं, किसी वेस्ट में भी लगा सकते हैं और वर्टिकली भी आप इन पौधों को लगा सकते हैं। इन पौधों की जड़ें बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाती हैं जिसके चलते इनको बहुत बड़े बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर ये देखिए, ये मैंने कुछ कटिंग्स इनके लेकर इस वाले बॉटल में लगा दिया। तो ये भी बहुत ही बेस्ट आइडिया है, अगर कम जगह है आपके घर में तो आप इस तरह के बॉटल्स को कट करके ज़ीरो बजट में गार्डनिंग करके आप बहुत सारे पौधों को लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो ब्यूटीफुल प्लांट आप देख रहे हैं ये है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। पर्ल्स भी इसलिए कहते हैं, इसकी ब्रांचेस की ग्रोथ पर्ल्स की तरह होती है जो देखने में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है और ये बेस्ट लगती है स्पेशली हैंगिंग बास्केट में। ये एक सकुलेंट प्लांट है तो इसकी केयर भी सकुलेंट्स की तरह ही करनी चाहिए। विंटर में ये पौधे बहुत ही अच्छी ग्रोथ करते हैं। सकुलेंट्स को सैंडी सॉइल में लगाना बहुत ही बेस्ट होता है और इनके लिए जो आइडियल पॉट की रिक्वायरमेंट रहती है वो आप इन्हें शेलो पॉट में लगाएं तो ये पौधे भी बढ़िया ग्रोथ करते हैं। वाटरिंग का हमेशा ध्यान रखें क्योंकि सकुलेंट्स को वाटर ज़्यादा पसंद नहीं होता है, इसलिए जब भी सकुलेंट्स को वाटर दें तो कोशिश करें उनकी जो मिट्टी है वो पूरी तरह से ड्राई होनी चाहिए। कलरफुल प्लांट की लिस्ट में अगला जो पौधा आप देख रहे हैं ये है मनी प्लांट, जिसे आप छोटे कंटेनर में लगा सकते हैं। मनी प्लांट ये पौधा जो है ये एक एयर प्यूरिफाइंग प्लांट के अलावा बहुत ही ज़ीरो मेंटेनेंस प्लांट है। हेल्थ, वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी लाने वाला ये पौधा माना जाता है। इसकी बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं, मेरे पास इसकी 3 से 4 वेराइटीज़ होती हैं, एक ग्रीन वाली और बाकी ये 3 आप देख रहे हैं, नियॉन पॉथोस, इंजॉय पॉथोस एंड मार्बल क्वीन। इन पौधों को आप छोटे कंटेनर से लेकर मॉस्टिक के साथ भी ग्रो कर सकते हैं। मॉस्टिक में लगाने से इसकी लीव्स का साइज़ भी बड़ा हो जाता है। वेल ड्रेन मिट्टी में लगाएँ, पार्शियल सनलाइट या विंडो साइड में, इवन ट्यूब लाइट में भी ये पौधे ग्रो कर सकते हैं। इसे आप चाहें तो पानी में या फिर मिट्टी में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। मिस्टिंग एंड शॉवरिंग से इन पौधों की ग्रोथ फास्ट होती है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो प्लांट आप देख रहे हैं ये है बॉलिवियन ज्यू प्लांट और इसे इंच प्लांट भी कहा जाता है और ये पौधे बहुत ही फास्ट ग्रोथ करते हैं स्पेशली रेनी सीजन में। यहाँ पर ये देखिए, ये 8 इंच के पॉट में लगा हुआ बॉलिवियन ज्यू प्लांट ने पूरे पॉट को कवर कर लिया है। बहुत ही आइडियल प्लांट रहते हैं छोटे छोटे कंटेनर में ग्रो करने के लिए और एक तो ये बुशी भी बहुत जल्दी हो जाते हैं और इनकी लुक वाइज अगर देखा जाए तो ये पौधे बहुत बढ़िया लगते हैं। आप इन्हें रख सकते हैं छोटे छोटे कंटेनर में लगा सकते हैं, बालकनी एरिया में भी लगा सकते हैं और इवन की हैंग भी कर सकते हैं। इनकी हैंगिंग बास्केट भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। यहाँ पर ये देखिए, ये मेरी एक खाली पड़ी हुई वॉल थी जिसमें मैंने कुछ वॉल प्लांटर जो है मैंने एक कील के सहारे जो है वो लगाए हुए और इस वाले पॉट में देखिए कितनी बढ़िया इसकी ग्रोथ जो है वो चल रही है। तो इस तरह के पौधे भी बहुत ही एलिगेंट लुक आपके गार्डन को देते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, मेरे रूम के बाहर ही एक छोटी सी जगह है, इसमें मैंने कुछ पौधे जो है वो लगा कर रखे हुए हैं और यहाँ पर ये देखिए, ये है टेंगल हार्ट का प्लांट और इस पौधे को मैंने यहाँ पर हैंग करा हुआ है। बहुत ही बढ़िया इसकी ग्रोथ चल रही है। इस तरह के पौधे भी ज़्यादा जगह नहीं लेते हैं क्योंकि इन पौधों को अगर आप हैंग कर देते हैं तो हैंगिंग बास्केट में ये पौधे की ब्रांचेस लटकती हुई बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है और ये पौधे बहुत ही तेज़ी से फैलते हैं। नर्सरी में ये प्लांट्स बहुत ही मिनिमम प्राइस में आपको मिल जाएंगे और कहीं से अगर इसकी कुछ ब्रांचेस मिल जाए, इनकी कटिंग्स मिल जाए, एज इट इज सॉइल के ऊपर रख देंगे तो ये पौधे बहुत ही जल्दी जड़ें इनकी जो है वो फैल जाती हैं। समर इनका ग्रोइंग पीरियड होता है और जब भी आप इनको लगाएं वेल ड्रेन मिट्टी में लगाएं क्योंकि ये भी एक सकुलेंट टाइप का प्लांट होता है जिसके चलते इसको वाटर की नेसेसिटी इतनी नहीं रहती है। विंटर में ये पौधे थोड़े से डॉर्मेंसी में चले जाते हैं बट स्प्रिंग आने पर ये पौधे फिर से हरे भरे हो जाते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट आप छोटे कंटेनर में लगा सकते हैं वो है शफलेरा प्लांट। शफलेरा भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है, इसकी बहुत सारी वेराइटीज़ होती है। मेरे पास इसकी 2 वेराइटीज़ हैं, ड्वार्फ वाली, एक ग्रीन एंड वेरीगेटेड। ये पौधे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं तो छोटे छोटे कंटेनर में लगाने के लिए ये भी बहुत ही आइडियल प्लांट होते हैं। फ्रेंड्स, इनकी साइज़ को रिस्ट्रिक्ट भी किया जा सकता है, प्रूनिंग द्वारा आप इन पौधों के साइज़ को रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन में भी ये पौधे बहुत ही बढ़िया लगते हैं और मिस्टिंग एंड शॉवरिंग इन पौधों को भी बहुत ज़्यादा पसंद होती है। दूसरे इंडोर प्लांट्स की तरह इसकी मिट्टी भी वेल ड्रेन बनाए जिसका ड्रेनेज काफ़ी अच्छा होना चाहिए। और ये देखिए, ये पौधे मैंने बारिशों में थोड़ी देर के लिए रखे हैं और बारिशों की बूंदें इन पौधों पर पड़ने से ये पौधे और भी ज़्यादा खूबसूरत हो गए हैं। तो इस तरह के पौधे बहुत ही खूबसूरत लगते हैं आपकी छोटी छोटी जगह को भरने के लिए, ग्रीनरी ऐड करने के लिए ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो प्लांट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है स्पाइडर प्लांट और यहाँ पर ये देखिए मैंने कितने सारे ये पौधे जो है वो फ्री के बनाए हुए हैं। ये एक ऐसा पौधा है जो खूबसूरत होने के साथ साथ हमारे घर के अंदर के टॉक्सिक को भी एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखता है।
ये पौधे ग्रीन एंड वेरीगेटेड वेराइटीज़ में आपको नर्सरी में आसानी से 30-40 रुपए तक मिल जाएंगे। ये एक हार्डी इंडोर प्लांट है जिसे आप छोटे कंटेनर में किसी वेस्ट मटेरियल में हैंगिंग बास्केट में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और मैं सजेस्ट करूंगी कि वे बिगनर्स के लिए बहुत ही इजी टू ग्रो और इजी टू मेंटेन प्लांट है जिसे आप कंटेनर में ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, स्पाइडर प्लांट्स टाइम टू टाइम बहुत सारे रनर्स को थ्रो करता है जिनको कट करके आप बहुत सारे इनके प्लांट्स को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट वेज में आप इन पौधों को स्टाइल भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए, छोटी सी मटकी में लगा हुआ ये बेबी प्लांट कितना खूबसूरत लगता है। और नेक्स्ट आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये मेरे बेटे के शूज़ रखे हुए थे जिसमें मैंने इसके दो बेबीज प्लांट जो है वो डाल दिए हैं। तो आप भी इसी तरह से कर सकते हैं, घर में पड़े हुए वेस्ट मटेरियल में आप इनके छोटे छोटे पौधों को ग्रो करके इनके DIYs को हैंग कर सकते। फ्रेंड्स, छोटे कंटेनर में ग्रो करने के लिए आप कोलियस प्लांट भी लगा सकते हैं। ये भी एक बेस्ट इंडोर कलरफुल प्लांट होता है और ये पौधे नर्सरी में बहुत ही मिनिमम प्राइस में आपको मिल सकते हैं। इसकी बहुत सारी कलरफुल वेराइटीज़ होती हैं, काफ़ी खूबसूरत ये रंग आपके गार्डन को देते हैं। और इसके अलावा ये पौधे थोड़े से अटेंशन ज़्यादा मांगते हैं, कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाते हैं, बट समटाइम ये पौधे डी शेप होकर ख़राब होने लगते हैं जिसके चलते इनकी कटिंग को बार बार ग्रो करते रहना चाहिए। और इसके अलावा आप इनको जब भी लगाएं छोटे कंटेनर में वेल ड्रेन मिट्टी बनाकर लगाएं और पानी आप इन्हें तब भी दें जब इनकी मिट्टी थोड़ी सी ड्राई बेसिस पर हो। तो ये पौधे भी आसानी से आप कम जगह में छोटे कंटेनर में ग्रो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे घर के कॉर्नर्स रहते हैं जहाँ पर शायद हम लोगों की नज़र भी समटाइम नहीं पड़ती। यहाँ पर ये देखिए, ये मेरे गार्डन के बीचों बीच एक पाइप है और यहाँ पर मैंने कोल्ड ड्रिंक की बॉटल में मैंने टर्टल वाइन की कुछ कटिंग्स डाल दी थी। और यहाँ पर ये देखिए, इस वाली छोटी बॉटल को मैंने कट करके इस पाइप में लगा दी। यहाँ पर मैंने मॉस रोज की कुछ कटिंग लगा दी थी। तो इस तरह के पौधे भी बहुत बेस्ट रहते हैं छोटे छोटे वेस्ट मटेरियल में ग्रो करने के लिए। और इसके अलावा अगर आपके घरों में भी कुछ इस तरह की खाली वॉल्स हैं तो वहाँ पर भी आप इस तरह से जीरो बजट में गार्डनिंग कर सकते हैं। और कहीं से भी आप ये बॉटल्स तो हर घर में मिल ही जाती हैं, कुछ फिनाइल की होती हैं, कुछ कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल रहती है, उसमें आप छोटे छोटे पौधों की कटिंग्स को लगाकर बहुत सारे पौधे जो हैं वो कम जगह में ग्रो कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए फ्रेंड्स, ये भी 6 इंच के पॉट में ये पर्पल वेफल प्लांट लगा हुआ है। ये बेहद ही खूबसूरत एलिगेंट सा और कलरफुल प्लांट होता है जिसे आप छोटे कंटेनर में ग्रो कर सकते हैं। छोटी छोटी कटिंग से ये पौधे आसानी से रेडी हो जाते हैं। नर्सरी में ये प्लांट भी आपको 60-70 रुपए तक मिल जाएगा। बहुत ही ज़्यादा ये खूबसूरत पौधे होते हैं, समर ग्रोइंग इनका आइडियल पीरियड होता है। सो फ्रेंड्स, जगह की कमी होने के कारण मैं बहुत सारे पौधों को वॉल में इसी तरह से कील लगाकर उनमें कुछ प्लांटर्स इसी तरह से अटैच कर देती हूँ। जैसे कि स्क्रीन पर ये आप देख सकते हैं, ये फिनाइल की बॉटल है, इसमें बोटली की कुछ मैंने कटिंग्स लगा दी थी। बहुत बढ़िया ग्रोथ चल रही है। तो ये पौधे भी छोटे छोटे कंटेनर में आप लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैंने आपसे बहुत सारे ऐसे गार्डनिंग के आइडियाज़ और इसके अलावा बहुत सारे इजी टू ग्रो प्लांट्स आपसे शेयर करने हैं जिन्हें आप छोटे छोटे कंटेनर में लगा सकते हैं। घर का कोई भी कॉर्नर ऐसा है जहां जो खाली पड़ा हुआ है या फिर जहां पर थोड़ी सी भी ब्राइट लाइट आती है तो इसी तरह से आप ज़ीरो बजट में बहुत सारे ज़ीरो मेंटेनेंस प्लांट्स जो हैं वो लगा सकते हैं। आई होप आज की वीडियो आप सबके लिए यूज़फुल रही होगी। वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे ब्लेस्ड एंड बाय।